हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूँ तस्खीर और इस वीडियो में रिएक्ट करने वाला हूँ कुछ ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान में, कांपें टांग रही हैं, टॉप ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर इन पाकिस्तान। ये है क्या, आखिर क्यों है और किस लिए है, क्या सीन है, कांपें टांग रही हैं का, चलिए इस वीडियो को देखते हैं, बाकी बाद में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। कांपें टांग रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी का ये जुमला सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। समा वाजे वीडियो सामने ले आया, बिलावल भुट्टो आवामी मार्च से खिताब के दौरान टांगे कांप रही हैं के बजाय कांपे टांग रही हैं कह गए थे। फवाद चौधरी ने बिलावल को नन्ना मुन्ना लीडर कहते हुए कांपे टांगने पर भी तंज किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की जबान फिसल गई। लगता है यार ये मैंने देखा है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन। अवामी मार्च से खिताब में टांगे कांप रही हैं को कांपे टांग रही हैं कह गए। खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। टांगन मांगा मांगा टांगन मांग टांगा आप कहने के चाहते हैं। लोगों को बिलावल भुट्टो की उर्दू पर हंसने का एक और मौका मिल गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी मौका हाथ से न जाने दिया। एक नन्ना मुन्ना लीडर एक नन्ना मुन्ना मार्च लेके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ गया, उससे हमारी कांपे टांग गई। इतना बड़ा जुलूस था कि हमारी कांपे टांग गई। कांपें टांग रही हैं ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड बना हुआ है। हजारों ट्वीट्स की जा चुकी हैं, सारिफीन दिलचस्प तबसरे कर रहे हैं। मरियम नवाज ने लिखा, ये तो हद से ज्यादा मजाकिया है। हमीस ने तबसरा किया कि उनकी ये हालत इम्तिहान के वक्त होती है। लियाकत जैदी ने ट्वीट किया कि जब शाहीन आफरीदी और आमिर भारत के खिलाफ बॉलिंग करें तो उनकी कांपें टांगती हैं। बहुत से सारिफीन दिलचस्प शेरों और तस्वीरों के जरिए भी कांपें टांगने पर मेम बना रहे हैं। तो हमने ये चूक पकड़ी, वजीर आजम इमरान खान ने तलफ्फुज़ पकड़ लिया। उन्होंने अपने गाइस सीन कुछ ऐसा था कि ये इस्लामाबाद में कुछ शो कर रहे थे, मतलब पब्लिक शो, तो उसमें इन्होंने क्या बोल दिया यार, टांगे कांप रही है वो, कांपे टांग रही है, और मीम्स की बाढ़ आ गई, ट्विटर पर ट्रेंड कर गया पाकिस्तान में। एंड सच में यार पब्लिक को कुछ कंटेंट मिल गया, कुछ एंटरटेनमेंट मिल गया। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है जो ज़ुबान फिसलती है, मोस्टली सभी के साथ होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह, लेकिन इतनी बड़े स्टेज पर जब उन्होंने कांपे टांग रही है बोला तो उनके दिमाग में होगा कि यार मैंने गलत बोल दिया, तो उसको सही कर सकते थे। वो जो थे जो कह रहे थे कि नन्ना मुन्ना बच्चा जब स्टेज पर चढ़ा तो हमारी कांपे टांग गई, भाई वो जो खिंचाई थी एक नंबर की खिंचाई थी। मीम्स कितने तगड़े तगड़े मीम्स बन गए, इसमें भी मीम्स थे, हमने जो वीडियो देखा था इसके अंदर एक चीज़ और देखी थी, ये शायद इसमें एक पुराना वीडियो भी दिखा रहे थे जिसमें उनकी ज़ुबान फिसल रही। तो मुझे लगता है ऐसा कि इनकी जो है बिलावल भुट्टो की ज़ुबान जो है वो अक्सर फिसल जाया करती है। एंड उर्दू की बात कर रहे थे कि उर्दू तो कोई सिखा दो, मतलब ये मीम डाला गया है उर्दू तो कोई सिखा दो, तो मेरे अंदर क्वेश्चन आया कि यार इनको उर्दू नहीं आती होगी तो किसको आती होगी, कहाँ से हैं, विदेश से हैं या फिर कहीं बाहर रहते हैं, तो ये पाकिस्तान में कर के रहे हैं, मतलब उस तरह का सीन है। आपको जो पता हो तो बता दीजिएगा। बाकी मैंने इन्जॉय किया इस वीडियो को, आई होप कि आपने भी किया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद कांपें टांगी या नहीं टांगी कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर सारे।